हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द नेक्स्ट वैरायटी। मध्य प्रदेश की एक और दोस्तों नई भर्ती आ चुकी है। वो भर्ती क्या रहने वाली है इस वीडियो में मदन बताने वाला हूँ मैं। चलिए चलते हैं पोर्टल पर, देख लेते हैं कहाँ से करना आपको नोटिफिकेशन डाउनलोड और क्या इन्फॉर्मेशन रहने वाली है। आप लोगों से मेरा एक नहीं बता रहता है दोस्तों, चैनल पे आप लोग नए चैनल पर नए सब्सक्राइब और वीडियो कर देना लाइक। चलिए चलते हैं पोर्टल। देखिए दोस्तों, आपको जाना है गूगल पर। यहाँ पर लिखना है अटल बिहारी वाजपेयी इंस्टीट्यूट ऑफ गुड गवर्नेंस ऑफ पॉलिसी एनालिसिस भोपाल। जैसे लिखोगे आप लोग और आपको करना है सर्च, ठीक है। सर्च करोगे यहाँ पे आप करना है स्क्रॉल और यहाँ पे आपको दिख जाएगा अपॉर्चुनिटी कैरियर, इस पर करना है क्लिक, ठीक है। तो जैसे आप लोग यहाँ पे क्लिक करते हैं अपॉर्चुनिटी पे, मैं क्लिक कर लेता हूँ यहाँ पे, तो मैंने कर लिया क्लिक। जैसे मैं क्लिक करूंगा इसका जो होम पेज मेरे सामने हो जाएगा और यहाँ से इसकी जो रहेंगे नोटिफिकेशन, ये रहेगा दोस्तों नोटिफिकेशन, ठीक है। और यहाँ से कर लेना अपलोड डाउनलोड। चलिए हमने कर लिया डाउनलोड। देखिए दोस्तों, ये रहेगा नोटिफिकेशन अटल बिहारी वाजपेयी सुशासन एवं नीति विश्लेषण संस्थान भोपाल से निकाला गया है। 28 जून को यहाँ पे ये जारी किया गया है, ठीक है। इन्होंने बताया कि समाज जो दैनिक समाचार पत्र है उसमें प्रकाश करने हेतु इनसे इन्होंने अनुरोध यहाँ पर किया है, ठीक है। तो यहाँ पे हम करते हैं स्क्रॉल और देखिए यहाँ पे ये रहेगा, ठीक है। आपका दोस्तों जो भर्ती रहेगी वो रहेगी दिव्यांग की भर्ती होनी है और यहाँ पे इंटरव्यू के माध्यम से चयन होना है। समय आप पर भर्ती रहेगी, 1 वर्ष के लिए आपकी भर्ती यहाँ पर रहने वाली है, ठीक है। और एक एक पोस्ट यहाँ पर निकाली गई है, ठीक है, जिसमें से आपकी जो पोस्ट है वो बता देता हूँ मैं कौन कौन सी रहने वाली है। पहली रहेगी उप प्रबंधक की, ठीक है, 1 पोस्ट, और कनिष्ठ कार्यकारी सहायक की रहेंगी 2 पोस्ट, ठीक है, एक एक अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से, ठीक है। यहाँ पर देख लें आप लोगों को क्या करना पड़ेगा दोस्तों, जिस दिन आपका इंटरव्यू, मतलब 5 जुलाई को आपका इंटरव्यू रहेगा 10 बजे से 3 बजे तक, आप लोगों को समस्त डॉक्यूमेंट के साथ में और 2 सेट कॉपी की 100 रुपये के स्टाम्प पर, मतलब शपथ पत्र आप लोगों को लेकर पहुंच जाना है, ठीक है। और मध्य प्रदेश मूल निवासी प्लस जाति वाला आपके पास या जो रहेंगे पीडब्ल्यूडी वाले, उनका यहाँ पर सर्टिफिकेट होना चाहिए, ठीक है यहाँ पर। तो दोस्तों ये तो रहने वाला ही है। और यहाँ पर बता दूँ आपको जो मैंने पोस्ट बता दी, अब देख लो यहाँ पर जो रहेगी डिप्टी मैनेजर की, तो देखिए बैचलर डिग्री हो, 60% मार्क के साथ में, CS हो या IT हो या MC हो, ठीक है। और 2 से 3 साल एक्सपीरियंस भी मांगा हुआ है, 21 से 60 एज आप रखी गई, ठीक है यहाँ पर। दूसरा रहेगा जूनियर एजुकेटिव का रहने वाला असिस्टेंट का, जिसमें ग्रेजुएशन किया हो और PGD से आपके साथ में हो, ठीक है ना। और यहाँ पे आपके पास CBCT चाहिए पड़ेगी, ठीक है, और एक्सपीरियंस नहीं भी होगा तो भी चल जाएगा, 21 से 45 ये रखी गई है। डिप्टी में जो रहेगी सैलरी 45,000 और जूनियर एजुकेटिव असिस्टेंट में रहेगी 20,000 रुपये पर मंथ आपको सैलरी यहाँ पर मिलने वाली, ठीक है। और 1 साल की रहेगी दोस्तों, बाद में इसको एक्सटेंड भी कर दिया जाएगा और ये रहेगी संविदा के आधार पर। आप लोगों को दोस्तों समझ डॉक्यूमेंट लगाना पड़ेंगे, ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ क्या लगाना आप लोगों के लिए। और ये रहेगा फॉर्मेट, ये वाला फॉर्मेट भर के आपको उस दिन ले जाना जिस दिन आपका इंटरव्यू होने वाला है। तो दोस्तों आज की इन्फॉर्मेशन थी, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट जानकारी के साथ। ओके दोस्तों, थैंक यू।